शाकरा, शाकरा, शाकरा कहाँ हो? शाकरा जी, जी बेगम साहबा, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही हो। वो बेगम साहबा किचन में काम कर रही थी बस। अच्छा, घर की सफाई अच्छी तरह से कर लेना, नवाल को देखने के लिए घर पे कुछ लोग आ रहे हैं। ऐसा करेंगे कि कुछ चीजें घर पे बना लेना और कुछ बाजार से मंगवा लूंगी। जी ठीक है, लेकिन सफाई का खास ख्याल रखना है, मुझे कहीं मट्टी नजर नहीं आए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अच्छा जाओ काम करो। जी नवाल, नवाल, अरे नवाल कौन सी, निकालो तो सही, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया मॉम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेट मी गेस, यकीनन आपको शादी के बारे में बात करनी होगी, है ना? अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मैं इस बात को लेकर कितना परेशान हूँ, और जिन लोगों से मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की ना, उनका फोन आया था, वो लोग मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। Whatever, जो करने आपको करें, क्या कह सकती हूँ मैं इस बारे में? तो मेरा यकीन करो, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मैं तो सोच रही हूँ कि शाम को उन्हें चाय पे इनवाइट कर देते। क्या इतनी जल्दी? नवाल, सुहेब बिल्कुल वैसा लड़का है जैसा तुम्हें चाहिए, बहुत गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा और फैमिली बहुत अच्छी है। और मैंने तुम्हें तस्वीरें भेजी तो थी तुम्हारे मोबाइल पे, एक दफा देख लो, तुम्हें पसंद आए तो फिर उससे मिल लेना। नहीं देखनी मुझे कोई पिक्चर विक्चर। क्यों नहीं देखनी? क्यों इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? जब शादी आपकी मर्जी से करनी है तो पिक्चर देखकर या उस लड़के से मिलकर मैं क्या करूंगी? आफ्टर ऑल इट्स एन अरेंज मैरिज। तुम गलत समझ रही हो, माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा भला चाहते। जोर हमें अच्छा लगा इसीलिए मैंने तुमसे बात की। बस मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना इस बारे में। आप क्या चाहती हैं? ये चाहती है ना आप मैं उससे शादी कर लूं? मान गई, मैं करवा दी मेरी शादी, खुश है बाप? अब प्लीज मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करने में जा रही। सुनो, एक दफा तस्वीर जरूर देख लेना फिर मुझे बताना। शादी तुम्हारी मर्जी से होगी ना? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके अब जाऊं मैं। मुझे लगता है कि सुहेब इसे बहुत अच्छा लगेगा, बिलावजह मेरे सामने नखरे कर रही है।